जो लोग भी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। कानपुर यूनिवर्सिटी में मेरे यहाँ पर आने की दो वजह हैं। एक तो मुझे डिग्री का पता करना था, दूसरा सिस्टर के मार्कशीट में BSc की मार्कशीट में नेम करेक्शन होना था। यदि आप भी इन दोनों से संबंधित जानना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ठीक है, पहले मैं डिग्री की बात कर लेता हूँ। भाई मेरा जो फाइनल ईयर था 2019 में मेरी BSc कंप्लीट हो गई थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो भाई उसके लिए डिग्री का मुझे पता करना था। जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ पर मैंने कैफ़े पर पता किया तो उन्होंने बोला कि वो आप यूनिवर्सिटी जाइए। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो भाई उन्होंने ये बताया कि भाई डिग्री के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसी के साथ साथ डिग्री जो है आपके घर पर बाई पोस्ट आएगी। तो भाई ये एक चीज़ क्लियर हो गई जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पता चला है, तो भाई या तो ये सही बताएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेम करेक्शन की। सिस्टर की BSc की मार्कशीट में नेम करेक्शन होना था तो भाई उसके लिए कॉलेज में पता किया तो उन्होंने बोला कि आप यूनिवर्सिटी जाइए। लेकिन भाई जब साइबर कैफ़े पर पता किया तो उन्होंने ये बोला कि आप या तो कॉलेज चले जाइए या फिर यूनिवर्सिटी चले जाइए। तो भाई मेरे पास में और भी कोई भी ऑप्शन नहीं था, डिग्री का भी पता करना था और ये भी पता करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि नेम करेक्शन करने की क्या प्रोसेस रहेगी। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ओरिजिनल मार्कशीट देनी होगी जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, और उसके बाद में वो आपको सबमिट करनी होगी यूनिवर्सिटी में आकर। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में दूसरे गेट नंबर पर जाना है आपको, वहाँ पर पास में ऑफिस बनी हुई है, वहाँ पर सबमिट करना है। मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेज से आपको लेटर हेड पर लिखवाना होगा, मतलब एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी, लेटर हेड उनका होगा कि आपको नेम में करेक्शन कराना है। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज की मोहर लगेगी, एक चीज़ ये कंप्लीट होगी। उसके बाद में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ BSc की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, हाई स्कूल इंटर की फ़ोटोकॉपी। और उसमें भी कंडीशन ये है कि हाई स्कूल इंटर और आधार कार्ड इन सभी में नाम सेम होना चाहिए जो कि आप BSc की मार्कशीट में चेंज करवाना चाहते हैं। BSc हो, BA हो या फिर MA हो, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं लगभग सभी पर ही अप्लाई कर जाएंगी। और फिर भी कुछ भी कम ज़्यादा हो तो भाई आप यूनिवर्सिटी में इसको ज़रूर से पता कर लीजिएगा, कहीं और इधर उधर मत जाइए, सीधा यूनिवर्सिटी आइए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर किए देता हूँ, यदि आपने अभी तक डिग्री नहीं ली है तो फिर आप डिग्री पहले ना निकलवाएं। यदि आपके मार्कशीट में नेम का करेक्शन होना है तो पहले आप नेम में करेक्शन करा लीजिएगा, उसके बाद ही डिग्री को अप्लाई करिएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई जब यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे अपने एप्लीकेशन को नेम चेंज कराने के लिए, ठीक है, तो वो कितने दिन बाद होगा। तो मैंने यहाँ पर पता किया, उन्होंने बोला 90 दिन, यानी कि 3 महीने के आसपास का समय लगेगा। ठीक है, और जो मार्कशीट है वो घर पर ही आएगी बाई पोस्ट। लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कर दी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रही होगी। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, यदि आप यूनिवर्सिटी का ब्लॉग देखना चाहते हैं वो भी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।